हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड का शेयर लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। दोस्तों, इसमें जून क्वार्टर का जो रिजल्ट निकल के आया है और उसमें और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है हम डिटेल जानेंगे। और ये शेयर रॉकेट बनने की पूरी तैयारी कर रहा है, इसमें क्या करना, एक्शन लेना चाहिए, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप पूरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इसका वीडियो मैंने डिटेल में बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर दे दिया, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलो, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका ये जून के क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसको पिछले जून के क्वार्टर से यानी 2019 से हम कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 30 करोड़ हो गए है। दोस्तों, जैसे ये रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, मैं करोड़ में पढ़ रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखो, ये जून 20 के क्वार्टर में 30 करोड़ है, जो कि पिछले साल 50 करोड़ था। और टोटल इनकम देखेंगे तो 35 करोड़ है, जो कि पिछले साल 50 करोड़ था। लेकिन देखो, यहाँ पर डाउन हुआ है, इनका टोटल इनकम डाउन हुआ है। और टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंस भी इनका देखो डाउन हुआ है, 26 करोड़ अभी के क्वार्टर में हुआ है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में 41 करोड़ था। ये भी अच्छा खासा देखो एक्सपेंस डाउन हो, जिसके वजह से देखो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो 8 करोड़ है, 9 करोड़ बोल सकते हो आप, इस क्वार्टर में 9 करोड़ हुआ है, क्योंकि पिछले साल 8 करोड़ था, तो 1 करोड़ से बड़ा हुआ है। उल्टा सेल्स के यानी कि रिवेन्यू और टोटल इनकम के घटने से के बावजूद भी देखो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा हुआ है 1 करोड़ से। तो क्यों, यहाँ के देखो यहाँ पर इनको एक्सपेंस में कटौती की है। 4 नंबर के पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखो यहाँ पर 13 करोड़ हो गया, पिछले साल 27 करोड़ था। देखो यहाँ पर कटौती की उन्होंने, और एम्प्लॉय के सैलरी वगैरह भी इन्होंने कम दिए होंगे यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो 1.56 करोड़ है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो कि पिछले साल 2 करोड़ था। तो यहाँ पर देखो सैलरी डिडक्शन, फिर अदर एक्सपेंस में भी देखो 3.74 करोड़ बताया जा रहा है, कि पिछले साल 7.23 करोड़ था। और वैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये 8 करोड़ 9 करोड़ हो गया, जैसे कि हमने देखा, और पिछले साल 8 करोड़ था। और टैक्स देखेंगे तो 89 लाख में देखो टैक्स बता रहे हैं, कि पिछले साल 2.36 करोड़ टैक्स था। और बाद में यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो करंट क्वार्टर में 8.19 करोड़ आ रहा है, जो कि पिछले साल देखो 5.75 करोड़। देखो प्रॉफिट ये आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रहा है दोस्तों, जो कि अच्छा साइन है। और दोस्तों, यहाँ पर बीच में देखो, मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में देखो बीच में देखो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट बताया गया, जो कि मैंने पढ़ा नहीं था दोस्तों, जो कि मार्च क्वार्टर का भी देखो यहाँ पर लॉस बताया, 6.13 करोड़ देखो नेट लॉस बताया था लास्ट में। लेकिन दोस्तों, इसको ये देखें तो इसका भी मार्च क्वार्टर का भी रिजल्ट इनका अच्छा था। अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों। यहाँ पर देखो बीच में मैंने ब्लू कलर का बताया एक्सेप्शनल आइटम, देखो 6 नंबर पर ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, वहाँ पर 13.21 करोड़ देखिए एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पर माइनस में बताया गया है। तो इसका डिटेल हम देखेंगे दोस्तों, ये एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लॉस हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये 7 करोड़ तक ये प्रॉफिट था दोस्तों। तो देख लेते एक्सेप्शनल आइटम में क्या था। देखो ये पॉइंट नंबर 1 देखो, इसमें लॉस बाय फायर, एक्सेप्शनल आइटम वो होता है जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस के अलावा कुछ एडिशनल का इसके अलावा कुछ खर्चा आया, तो जैसे कि लॉस बाय फायर हुआ है, जिसमें देखो 53.44 लाख इनका लॉस फायर के वजह से लॉस हुआ था, जिनमें उनका एस्टिमेटेड लॉस 14.82 लाख हुआ, माने बाकी का जो खर्चा था वो इंश्योरेंस कंपनी से ही वो मिल गया है। और सेकेंड पॉइंट में बताया गया देखो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन होता है मेजरमेंट करके, जो एक्चुअल बुक वैल्यू जो बुक्स में अकाउंट में जो होना चाहिए वही रखकर बाकी का को राइट ऑफ करना चाहिए। तो ये 13 करोड़ जो है उन्होंने देखो ये बताया गया ये कि मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट करने के बाद जो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट में है वही रखा गया, बाकी का इसको यहाँ पर हटाया गया है, तो ये राइट ऑफ करके बताया गया। तो इस तरह से ये लॉस हुआ है दोस्तों, तो इस तरह से ये बिजनेस लॉस कहाँ नहीं आ सकता, इसलिए ये आप मार्च के क्वार्टर का भी वो तरह से प्रॉफिट मान सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसमें एक बायबैक का न्यूज़ निकल के आया था, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 27 जुलाई को ये इन्होंने एक बायबैक के बारे में बताया हुआ था, जो कि बायबैक देखो इनका टोटल इनका 4.40 करोड़ का देखो अमाउंट का कैश में पे करके बाकी के शेयर को बायबैक कर लेंगे, यानी कि दूसरे जो शेयर इन्होंने इशू किया वो शेयर वापस ले लेंगे और उनको 4.40 करोड़ दे देंगे। और दोस्तों, ये अगर पूरा बायबैक का टोटल शेयर का शेयर जो इशू किया उसका देखेंगे तो 0.99% यानी कि 1% है। तो इसलिए उनको शेयर होल्डर्स के लिए के अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि 10% से अगर कम है तो वो शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लेंगे। तो बायबैक एक अच्छा साइन होता है दोस्तों मेरे हिसाब से, तो ये शेयर को बढ़ने का अच्छा खासा चांसेस होता है। 40 रुपीज़ पर ये बायबैक बता रहा है, अभी 31 रुपीज़ पर शेयर
चल रहा है, तो ये 40 रुपीज़ तक आसानी से जा सकता है, इस तरह से साइन बताया जा सकता है। दोस्तों ये बायबैक के पहले का और बायबैक के बाद का देखो पोजीशन बताया गया यहाँ पर। देखो बायबैक के पहले यानी कि अभी देखो 71.42% इनका अभी प्रमोटर्स का चल रहा है, जो कि बायबैक के बाद 72.14% हो जाएगा, यानी इनका शेयर बढ़ जाएगा। और बाकी के लोगों का बायबैक के बाद 27.86% हो जाएगा। यानी कि देखो बायबैक के पहले देखो 11 करोड़ 13 लाख शेयर्स है, जो कि बायबैक के बाद 11 करोड़ 2 लाख शेयर्स हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से बायबैक की पोजीशन बताई गई है। दोस्तों इसका एनएससी पर तो क्या कारोबार चल रहा है देख लेते हैं। देखो निफ्टी ये जुलाई 28 को 1.52% देखो बढ़कर यानी कि 168 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ, और ये शेयर देखो 3.78% बढ़ा था, देखो 1.15 रुपीज़ बढ़ा है दोस्तों ये। और डिलीवरी कितने हो रही है इसमें, डिलीवरी हुई परसेंटेज देखो 36.76% डिलीवरी हो रही है, लेकिन मतलब अच्छा खासा इसमें डिलीवरी हो ले उठा रहे लोग, उसमें रिजल्ट वगैरह अच्छा आने के कारण देखो इसमें पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों इसमें एक न्यूज़ था आपके लिए, इसमें देखो ये ऑपस्टॉक का 1 मिलियन ट्रेडर्स हो जाने के से उन्होंने देखो फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए सुविधा दी है, और ज़ीरो ब्रोकरेज होगा 30 डेज़ के लिए, और उसके साथ ही मनी कंट्रोल का प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन वर्थ ₹1999 का टोटली फ्री है। देखो टोटल ये तीनों चीज़ आपको फ्री मिल सकता है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया है दोस्तों। अगर आपको तीनों चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे क्लिक करके आप ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों इस शेयर के बारे में मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कि शेयर अभी अच्छा खासा रॉकेट बनने की पूरी तैयारी है दोस्तों। जैसे कि इसका बायबैक अभी 30 रुपये पर चल रहा है, बायबैक 40 रुपीज़ पर बताया गया है, जो कि अच्छा खासा साइन नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसके प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप नज़र आ रही है, तो एक अच्छा सा पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है दोस्तों। फिर भी आप इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर ही अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए मार्केट अभी बहुत आगे की तरफ बढ़ चुका है, बहुत बढ़ते ही जा रहा है। जो दोस्तों जब मार्केट पूरी जब गिर जाएगा तो ये शेयर भी नीचे गिरेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसलिए आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ कर डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।